हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति जोशी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। शाम का है टाइम और हमारे घर में आने वाले हैं स्पेशल गेस्ट। क्या इसके पापा के दोस्त हैं, काफ़ी टाइम से उनको हम घर पे बुलाने के लिए सोच रहे थे, तो हमने सोचा कि आज ही इनको बुला लेते हैं। तो वो भी बेसिकली उत्तराखंड से हैं, तो अभी आने वाले हैं वो हमारे घर में। तो उनके लिए मैं तैयार करने वाली हूँ एक वेज थाली। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक वीडियो शूट करूँ, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि अगर आपके भी घर में मेहमान आए तो उनके लिए एक वेज थाली कैसे आप तैयार करें। तो मिलते हैं मेरे साथ किचन में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मिक्स वेज की सब्जी। यहाँ पे मैंने कट कर दिए हैं गाजर, गोभी, आलू और मटर, सब मिक्स करके यहाँ पे प्याज कट कर दिए हैं, यहाँ पे थोड़े से लहसुन और अदरक का पेस्ट, और लास्ट में हम डालेंगे टमाटर। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में डालेंगे, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, मैं तो ज्यादातर सरसों का तेल यूज करती हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया है सरसों का तेल, अब इसे गर्म होने देते हैं। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीरा और कुछ तेजपात के पत्ते, और यहाँ पे मैंने डाली है थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च का तड़का मारा है, मिक्स सब्जी में काफ़ी अच्छी लगती है ये। और यहाँ पे मैंने डाला है लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मैंने डाले थे यहाँ पे प्याज, प्याज वगैरह जब अच्छे से हमारे मैश हो जाए उसके बाद हम डालेंगे मिक्स वेज की सब्जी कटिंग। तो यहाँ पे हमारा प्याज अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे सारी कटी हुई मिक्स वेज। डालेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक वगैरह, तो नमक मैंने पहले भी डाल दिया था, तो मैं थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी कम करूँगी। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर, और यहाँ पे डालेंगे हम हल्दी, यहाँ पे मिर्ची, और लास्ट में सब्जी मसाला। कढ़ाई को चला देंगे। इजीली हम ये वेज थाली 15 से 20 मिनट में आराम से तैयार कर सकते हैं, अगर हमने सब्जियां वगैरह पहले से कट करके रखी हैं। तो मैंने सब्जियां वगैरह कट करके पहले से रखी थी, तो मेरे को आसानी हो रही है बनाने में। और आप भी अपने मेहमानों के लिए अच्छे से ये वेज थाली जरूर तैयार करिए। जब तक हमारे यहाँ पे मिक्स वेज पकने के लिए तैयार हो रही है, तो यहाँ पे हमारी जब तक हमारी सब्जी आराम से पक रही है, तब तक हम दूसरी चीज़ तैयार कर लेते हैं, रायता। उसके लिए मैंने यहाँ पे बूंदी मेल्ट कर दिया दही में, दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो जितने देर भिगो के रखेंगे काफ़ी अच्छी फूल जाएगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो जब तक हम अपनी और काम करते हैं, तब तक हम साथ में इसको भिगो के रख देते हैं बूंदी को दही के साथ। और उसके बाद हम तैयार करेंगे अपना पनीर की सब्जी का मसाला। तो यहाँ पे हम पनीर की सब्जी बनाने के लिए पहले हमने प्याज के इतने बारीक बारीक पीस कर लिए हैं, यहाँ पे टमाटर भी कट करके इनको पीस कर लिए हैं, यहाँ पे खूब सारे लहसुन छील लिए हैं। अब हमने कढ़ाई में रख दिया है थोड़ा सा तेल, और इसको लोग ऐसे ही ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन अगर इसमें आप पहले से इसको भून लीजिए मसाले को, मतलब इन प्याजों को, तो काफ़ी अच्छा पेस्ट आता है, उसके बाद आप ग्राइंड करिए। तो यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, यहाँ पर मैं डाल दूँ सबसे पहले लहसुन, लहसुन को भून के निकाल दूँगी मैं। लहसुन को भून के पहले निकाल दूंगी, यहाँ पर लहसुन को भुने हुए लहसुन को मैंने निकाल लिया है। अब बाकी बचे हुए प्याज और टमाटर को फ्राई कर लूंगी। यहाँ पे मेरा प्याज और टमाटर अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं।
और ये काफ़ी गर्म है तो इसको हम अभी ठंडा होने के लिए रख देते हैं पंखा चला के। उसके बाद हमने लिए हैं एक कटोरी में काजू, तो इसको अभी हम रोस्ट कर लेते हैं। कढ़ाई मेरी जल चुकी है पूरी अच्छे से, इसमें काफ़ी पतली कढ़ाई है ना, जल जाती है। हमारा सब सामान हमने फ्राई कर लिया है, उसके बाद हम चले हैं इसको मिक्सी में ग्राइंड करने। तो अभी मैं सबसे पहले ग्राइंड कर रही हूँ लहसुन को, और यहाँ पर जो मैंने प्याज और टमाटर फ्राई करे हुए थे अब इनको हम इनका पेस्ट बनाने लगे हैं मिक्सी में। हमारा लास्ट है काजू को, हम भी काजू का भी पेस्ट बनाएंगे। अब मैं काजू का भी पेस्ट तैयार करने के लिए लगी हूँ। काजू का भी हमारा पेस्ट बनके तैयार है। अब लगभग हमारे सारे पेस्ट तैयार हैं। यहाँ पे है लहसुन और उसका गार्लिक का पेस्ट, और यहाँ पे है टमाटर और प्याज का पेस्ट, और यहाँ पे है हमारे काजू का पेस्ट। तो सब चीज़ हमारी तैयार बनके रेडी है। पनीर की सब्जी बनाने के लिए हमारे सारे पेस्ट तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे है प्याज और लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे है अदरक और लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे है हमारा जो हमने काजू ग्राइंड करे हुए थे उसका पेस्ट, और लेकिन हमारे कुछ मटर हैं जो हम फ्राई करना भूल गए हैं, तो अभी हम फ्राई कर देंगे। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में रख दिया है ऑयल और डालेंगे जीरा। उसके बाद हमारे रह चुके थे ये मटर जिनको हम फ्राई करना भूल गए थे, तो हम इसको भी सब्जी के साथ फ्राई कर लेंगे, नहीं तो इनका टेस्ट अच्छा पन सा लगेगा। और कुछ भर का नमक, हमारे मटर भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। उसके बाद मारेंगे हम अपने पेस्ट के बाद जो हमने सारा पेस्ट बनाया था उनका तड़का। तो जीरा हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो जीरे का यूज हम नहीं करेंगे, तो उसके बदले हम यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर टमाटर और प्याज का पेस्ट। तो फ्राई कर लेंगे जब तक ये काफी अच्छे से पकने लगे, तो हमें तब तक चलाते रहना है। और साथ में जो हमने मटर फ्राई करे थे अब इसमें डाल देंगे। करेगी हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है, तो हम इसमें जो काजू की हमारी करेगी थी तो हम डाल देंगे, और काजू की करेगी मिलाने के बाद इसको खूब चलाना है, ये काफ़ी अच्छे से पक जाए। और साथ में डालना है इसमें चुटकी भर दही। यहाँ पे हमारे इसकी काजू करेगी काफ़ी ज़्यादा पक गई है, तो अब हम इसमें डालने लगेंगे मसाले। मसाले में हम डालेंगे पहले नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डालना है, और यहाँ पे हरी मिर्ची, हरी मिर्ची की क्वांटिटी में ज़्यादा करूँगी क्योंकि हमने, और यहाँ पे है मेरा धनिया, सॉरी हल्दी, और यहाँ पे है धनिया पाउडर, और लास्ट वाला है हमारा सब्जी मसाला, और ये है हमारा थोड़ा सा रेड फूड कलर। फाइनली हमारी पनीर की ग्रेवी बनके तैयार है, और इसका वेट करेंगे हम पकने के लिए, और हमारा उसके बाद लास्ट काम रहेगा पनीर डालने का। उसके बाद हमारी पनीर की सब्जी तैयार है। काम है पनीर डालने का। जब तक हमारी पनीर की सब्जी यहाँ पे पकने के लिए तैयार होती है, तब तक हम अपने लिए करते हैं राइट। सब्जी बनके तैयार है, तब तक हम यहाँ पे कर लेते हैं रायता के लिए तड़के की तैयारी। तो रायता हमारा यहाँ देखिए, अभी हमने जहाँ पे फुलाई थी भूनी तो काफ़ी अच्छी फूल चुकी है, अब हम इसमें टमाटर तड़का, हमें
सिलाई करते हैं। हमने यहाँ पे करा है तेल गरम, थोड़ा सा तेल गरम करा है, फिर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे तेल गरम करा है। तो इसमें आप तेल गरम होने के बाद हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास हरी मिर्च अवेलेबल नहीं है तो मैं सिर्फ डालूंगी इसमें जीरा। जीरा और ये है धनिया पाउडर, और ये है हल्दी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और इसमें हमने मिर्च तो डाली नहीं है, तो मिर्च के लिए हम अपनी नॉर्मल मिर्च का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। और नमक में मैं ऐड करूँगी काला नमक, क्योंकि रायते में काला नमक बहुत अच्छा लगता है। सब हो गया तैयार, तो हमारा लास्ट काम रह गया है मीठे में। तो मीठे में मैं बनाने लगी हूँ सिवई। तो सिवई बनाने के लिए पहले मैंने तो जब हमारा यहाँ पे दूध बन गया है तो हम इसमें डाल देते हैं अपनी भुनी हुई जो हमने फ्राई करके सिवई डाल देते हैं। और जब हल्की बहुत पकने लगे तो लास्ट काम इसमें हम चीनी डालेंगे, तो तब तक हमने यहाँ पे बादाम और काजू को कट कर लेते हैं। तो दिखा, तो यहाँ पे हमारी सिवई बन गई है, और इसमें लास्ट काम रह गया है हमारा चीनी डालने का। तो इसमें हम स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे, चीनी तेज पसंद है लोगों को। और उसके बाद लास्ट काम काजू और बादाम का, बस चीनी हमारी ज़्यादातर पकी गई है, उसको आराम से हल्की आँच पर पकने के लिए छोड़ेंगे। अब काजू बादाम और चीनी मैंने डाल दिया है, फाइनल लुक हमारा ये तैयार हो गया है खीर का। बस अब इसको हल्की तो गाइस जिन मेहमानों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मेहमान आ चुके हैं। ये हैं, कहाँ भाभी कहाँ हो अभी आप? वैसे ये जॉब करते हैं लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। कहाँ पे हो अभी अभी आप? किस जगह में हो जॉब, जहाँ करते हैं? रघुपुर में जॉब करते हैं ना अभी आप, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो इनको हमने इनवाइट करनी कब से सोच रहे थे, जो फाइनली आज आ गए। अभी हमने यहाँ पे पकौड़े वगैरह तो खा ली हैं, लेकिन बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। ये इनका बेटा है, सुनशु आओ, शिवांश यहाँ आओ, शिवांश हेलो बोलो, बोलो सबको, इधर आओ। कहाँ गया शिवांश? शिवांश इधर आओ, हाय बोलो, हाय हाय बोलो तंशु, आप बोलो। तंशु को भूख लग चुकी है, तंशु खाना खाना शुरू कर दे रहे हैं। बोल दिया हाय, चलो शिवांश आप भी बोल दो, बोल दो हाय, बोल दो शिवांश, आप भी बोल दो हाय, हाय बोलो, बंदूक से ही बोल दो हाय। शिवांश अभी सर मार रहे हैं थोड़ा सा, तो चलिए अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे पकौड़े वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अरे भैया क्यों बैठे हैं? माय लेग इज पेनिंग। क्या? माय लेग इज पेनिंग। भैया आप क्यों बैठे हैं? माय लेग, माय पेनिंग इन लेग, माय आई अरे हिंदी में ही बोल दीजिए। हम घोड़ बहुत पीड़ा थे। क्या मतलब पूरी हमने सोचा था कि हम गरम गरम ही सेकेंगे, तो हम पूरी वगैरह सेकने लगे। तो मेहमान आया है, मेहमान से यहाँ पे काम करा रहे हैं, देखिए आप। तो पूरी वगैरह हम सेक रहे हैं, पूरी वगैरह सेक के सेक लेते हैं आपसे खाने के टाइम। अरे आपको लग रहा होगा ना मैं आपसे काम करा दूँ। भाभी ने कहा कि पूरी चलो मैं बनाती हूँ, भाभी पूरी बनाने लगी है। आटा सही हो रहा है भाभी? तो आपने कढ़ाई में रख दिया तेल गर्म होने के लिए, जब तक हमारा तेल गर्म होता है। हो गया गर्म, देखने लगे हैं पूरी। यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म पूरी हमारे घर आके संपर्क करें।
गाय क्या कर रही है? गाय क्या कर रही है? अच्छा गाड़ी आपने सही कर दी है। चलो जाओ अपने दोस्त के साथ। चुप। क्या हमारी प्लेट है? बता दो। शिवांश, शिवांश आप क्या चला रहे हो? ये क्या है? ये बंदूक। अच्छा बंदूक है? बता दो। हाँ ये क्या है? ओ वाओ, किसकी कार है ये? ये मेरी कार है। ये आपकी कार है? हाँ। अच्छा तंशु, आपको भूख लग गई क्या? हाँ। तो आप क्या खा रहे हो? पूरी। कैसी लग रही है आपको पूरी? आवाज पसंद है। आपको खाली पूरी पसंद है? सब्जियाँ पसंद नहीं है? हाँ। क्यों? गंदी लगती है आपको सब्जी? तो बेटा मम्मी तो आपको सब्जी खिलाती है। शिवांश आप नाच के रहे हो, आपको खाना अच्छा लग रहा है? बताओ बेटा। अच्छा अब शिवांश की दोस्ती हो गई है, शिवांश अब घुल मिल गए हैं हमसे। चलो ठीक है, अब हम आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद। वाइफ को बोल दो फिर। अब कब आओगे हमारे घर में? कब आओगे? कल आओगे? चलो तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। तंशु को तो खांसी होने लगी स्टार्ट। तंशु आपको शिवांश भैया के साथ खेल के अच्छा लगा? बोलो। अच्छा। अच्छा लगा। और शिवांश आपको कैसा लगा? थैंक यू। बोलो, आपने हमें इतना टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया, हमने खूब मस्ती करी, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शिवांश आप कल को आओगे ना फिर से? शिवांश कल को आओगे ना? यहाँ देखो शिवांश, भूत की आवाज़ दिख रही है ना फोन पर। ठीक है, अच्छा चलो बाय कर दो सबको। बाय बाय शिवांश।